वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते जहां लोग इस 21 दिन के लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में रह रहे हैं, वहीं इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उन्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ओर जहां लॉकडाउन के कारण सड़कें सुनसान नजर आ रही है, सभी संस्थान बंद पड़े हैं, वहीं विभिन्न चौक चौराहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए खुद को सुरक्षित रखते हुए समाज की बेहतरी सोचने वाले समाज के सच्चे हितैषियों का चेहरा बड़े तादाद पर सामने आ रहा है और उनका लगातार प्रयास है कि वो जरूरतमंद और गरीबों को भुखमरी का शिकार बिल्कुल भी ना होने दें। वैसे तो विभिन्न सामाजिक चेहरे और संस्थाएं हैं, वहीं सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा भी भोजन के स्टॉल लगाए गए हैं ताकि कोई भी भूखा न रह जाए। इसी बीच ललिता तिवारी मेमोरियल एजुकेशन एंड सोशल सोसाइटी के अध्यक्ष अमित तिवारी और उनके सहयोगी विनोद बिहारी चौधरी, बबलू सिंह, अंकुर मित्तल, सूरज कुमार चौधरी, गुड्डू केवट सहित कई ऐसे ही समाज सेवी युवक हैं जो अपने वाहनों में खाद्य सामग्री लेकर पूरे जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए लोगों के घर घर में जाकर उन्हें चिन्हित कर उनके बीच खाद्य सामग्री और भोजन का पैकेट बांटने का काम लगातार कर रहे हैं। इस दौरान एलटी मेमोरियल के अध्यक्ष श्री अमित तिवारी ने कहा कि हम लोग लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखते हुए गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों के बीच खाद्य सामग्री और भोजन का पैकेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना रह जाए। वहीं उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप भी अपनी क्षमता के अनुसार गरीब और जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान करने के लिए आगे आए और इस सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रभक्त होने का फर्ज अदा करें। न्यूजीलैंड चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है